बीएचयू से संबंधित ऑल अपडेट्स, नोटिफिकेशन तथा काउंसलिंग के लिए बीएचयू कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रज्ञा बीएचयू कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर मैं बहुत बहुत आप लोग का स्वागत करती हूँ। तो आज जो मैं सीरीज़ लाई हूँ ये बहुत न्यू, सबसे डिफरेंट और सबसे बेहतरीन है। मतलब जो मैं सीरीज़ लाने वाली हूँ ये आपके एग्ज़ाम को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। मैं इस वीडियो में और आगे आने वाले वीडियोस में एक एक टॉपिक कवर करते जाऊँगी, एक दो टॉपिक ऐसे करके जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, वो भी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ पहले चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसमें मैं आज आपको बताने वाली हूँ वर्णमाला और वर्तनी के विषय में। वर्णमाला में जो आपको प्रश्न जो आएंगे उससे संबंधित मैं यहाँ से प्रश्न बताऊंगी और उसे आप अच्छे से याद कर ले और समझ ले। बस इस वीडियो को आप अच्छे से अगर देख ले, समझ ले, उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं होगा वर्णमाला में। वर्णमाला आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं है, ये बस बहुत नॉर्मल है। आपको मैं आराम से याद दिला दूंगी, आराम से आप इसको बस याद कर लीजिए, फिर आसानी से आप एग्ज़ाम में कोई टेंशन नहीं होगा आपको वर्णमाला को लेकर, ठीक है। तो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा हिंदी वर्णमाला, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है तालविश्य दंत स मूर्धन्य ष, कौन से व्यंजन है पूछा गया है, ये कौन से व्यंजन है। तो ये जो है इन्हें कहा जाता है संघर्षी व्यंजन, और संघर्षी व्यंजन सिर्फ चार होते हैं। कितने होते हैं? चार। तो इसका आंसर ये संघर्षी चार होते हैं। बस इसको आप लोग ना बस याद कर लीजिए, आप लिख लीजिए कॉपी में, और उसके अलावा कोई होता ही नहीं है। जो है आपसे पूछेगा कितने, तो बस चार होते हैं, ष ष, बस हो गया। तो इस तरह आप बस याद कर जाइए, कोई टेंशन नहीं होगा आपको, कोई टेंशन नहीं, बस आप लिख लीजिए कॉपी में, नोट करते जाइए, और आप कल तक वीडियो आने से पहले इस वीडियो का जो नोट्स होगा उसे आप अच्छी तरह याद कर लीजिए, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं, क ग ज फ, ये ध्वनियाँ किस देश से ली गई है। तो बस ये चार ध्वनियाँ हैं फारसी से ली गई है। ये कितना सिंपल है, क ग ज फ, ये पूछ सकता है एग्जाम में कि किस देश से ली गई है, तो ये फारसी से ली गई है, बस इसे आप नोट करते जाइए, ठीक है। आपको आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आप कमेंट में बताइए आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो या वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके कितने क्वेश्चन इसमें आपको आते थे सारे में बताइए कमेंट में, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, अक्ष वर्ण किसके योग से बना है। तो अक्ष जो वर्ण है वो क और श के योग से बना है, क और श के, किससे, क और श के। तो इसे आप याद कर लीजिए किससे बना है, क और श, मतलब जो भी मैंने लिखा उसे लिख जरूर लीजिएगा और याद जरूर कर लीजिए, ठीक है। क्या है, योर अलावा किस वर्ग के व्यंजन, तो योर अलावा अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन वर्णमाला में सिर्फ चार होते हैं, कितने होते हैं, सिर्फ चार। तो अंतस्थ व्यंजन सिर्फ चार हैं, इसे याद कर लीजिए आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किन स्वरों को बोलने में काम, सॉरी यहाँ होगा थोड़ा मिस्टेक हो गया, कम समय लगता है वे कहलाते हैं। जिस स्वर को बोलने में कम समय, हर स्वर जो है उनको बोलने में सबसे कम समय लगता है, और वो सिर्फ चार हैं, अ ई उड़ी, कितना अ ई उड़ी। इसे आराम से बस याद कर लीजिए आप लोग, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देगा आपको हिंदी वर्णमाला में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको बस आप याद कर लीजिए, ठीक है। स्वरों को देखिए, जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है वे क्या कहलाते हैं, तो वो हर स्वर कहलाते हैं, ठीक है। और जो दीर्घ स्वर होते हैं जिनको थोड़ा हर स्वर से दोगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, और दीर्घ स्वर होते हैं आ ई ऊ, आ ई ऊ, दीर्घ स्वर तीन हुए और हर स्वर अ ई उड़ी, ठीक है। कितना आराम से आप समझ में आ रहा होगा आपको, बस आप नोट करते जाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, छ क त फ ध्वनियाँ हैं। देखिए तो इसमें आपको यहाँ जो आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा होगा कि यहाँ अघोष क्या है, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को हम अभी छोड़ते हैं, छठा क्वेश्चन इसे अभी हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पहले सातवां, हिंदी में विवृत वर्ण कितने हैं। हिंदी में विवृत वर्ण सिर्फ एक है, कितने, सिर्फ एक, आ। तो आपको बस कभी पूछे हिंदी में विवृत वर्ण कौन है या ऑप्शन में दिया है कौन है, तो सिर्फ आपको एक या आ, एक एक है बस, और ये आ है, ठीक है, इस पेंसिल लगाना है। तो आगे बढ़ते हैं, आठवां प्रश्न है, अर्धविवृत वर्ण कितने हैं। तो अर्ध विवृत वर्ण सिर्फ चार हैं, उ ए ओ औ आ, ये आ होता है ना, जैसे ऑफ या ऑफिस ऐसे लिखा जाता है वो वाला आ है, ये अंग्रेजी से लिया गया है ये अक्षर, ठीक है। तो विवृत वर्ण सिर्फ, अर्ध विवृत वर्ण सिर्फ होते हैं कितने, चार होते हैं, कितने होते हैं, सिर्फ चार, आपको अ ई ओ अ ये सिर्फ होते हैं, उ ए ओ औ, ठीक है, ये चार अर्ध विवृत वर्ण सिर्फ चार, तो इसे आप याद कर लीजिए। नवा प्रश्न है, समृद्ध वर्ण कितने हैं। तो समृद्ध वर्ण भी सिर्फ चार होते हैं, कितने, सिर्फ चार, इसे आप बस एकदम रटते जाइए, कोई टेंशन नहीं होगा आपको। ई ई ऊ, समृद्ध वर्ण कितने, ई ई ऊ, चार, कितने, चार, ई ई ऊ, ठीक है। दसवां प्रश्न है, अर्ध समृद्ध वर्ण कितने हैं। तो अर्ध समृद्ध वर्ण सिर्फ दो, ए ओ, कितने, सिर्फ दो, ए ओ, तो अर्ध समृद्ध वर्ण कितने हो गए, ए ओ, तो आंसर नंबर ये जो दो है ये सही होगा दस का। ग्यारह प्रश्न है, तारत्व्य के आधार पर वर्ण के कितने भेद हैं। तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि तारत्व्य के आधार पर वर्ण के कितने भेद हैं, ठीक है, आपसे पूछेगा
कि अघोष वर्ण घोष वर्ण किसे कहते हैं या कौन कौन से, जैसे एग्जांपल में दिया रहेगा कि कोई भी क ख ग या छ छ कोई भी वर्णमाला से कहीं से भी आपको दिया रहेगा एक अक्षर और पूछेगा कि ये अघोष है या घोष है। तो जो ये जो अघोष और घोष होते हैं वो तारत्व के आधार पर वर्ण के भेद किए गए हैं दो, जैसे अघोष और घोष होते हैं। अब तो देखिए इसके याद करने का सबसे आसान तरीका, देखिए हमारा जो ये होता है जो हमारा ये है कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, ये पांच वर्ग है ठीक है। तो इसमें आप आराम से इसको पहले आप लिख लीजिए ठीक है, और इसके ऊपर जो पहला और दूसरा यानी क और ख जो है वो होगा अघोष वर्ण। कौन होगा? अघोष वर्ण। देखिए अघोष क एक दो और घोष तीन चार पाँच, तो अघोष वर्ण आप किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा शब्द पहला और दूसरा अक्षर किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर जो है वो अघोष वर्ण होगा और तीसरा चौथा पांचवा घोष वर्ण होगा। क्या समझे? पहला और दूसरा वर्ण या अक्षर यानी अगर कवर की बात करते इसमें क और ख होगा अघोष और ग घ अंग ये होगा घोष वर्ण। समझ में आ रहा है? और देखिए हम जो छठा प्रश्न यहाँ छोड़े थे ये क्या है, देखिए छ छ क थ फ ध्वनियाँ हैं तो ये भी अघोष ध्वनियाँ हैं। जैसे हम मैंने बोला ना कि पहला और दूसरा, तो छ आया हमारा च और छ, दूसरा है छ, क आ गया पहला, त देखिए त थ तो थ आ गया दूसरा, प फ फ भी आ गया दूसरा, तो पहला और दूसरा हो गया अघोष वर्ण। और उसके अलावा श श श तालविश्य दंश मुदंश ये तीनों श आता है अघोष वर्ण में ठीक है। वो समझ में आ गया अघोष किसे कहते हैं? तो अघोष आराम से आप याद कर लीजिए, पहला और दूसरा अघोष वर्ण हुआ, तीसरा चौथा पांचवा घोष वर्ण। घोष वर्ण हो गया जैसे क ख हो गया घोष, ग घ अंग या घोष हो गया ठीक है। तो इसे आपको समझ में आ गया होगा। तेरहवा प्रश्न है वायु संवेग के आधार पर वर्ण के कितने भेद हैं? तो वायु संवेग के आधार पर ये भी आपसे नहीं पूछेगा कितने भेद, आपसे पूछेगा अल प्राण और महाप्राण कौन किसे कहते हैं या कौन कौन से, जो अक्षर दिया रहेगा एग्जाम्पल में आपको बताना होगा अल प्राण और महाप्राण कौन कौन से हैं। तो वायु संवेग के आधार पर दो भेद किए गए वर्ण के, अल्प्राण और महाप्राण प्राण। अब अल्प्राण महाप्राण देख लेते हैं आगे, तो अल्प्राण किसे कहते हैं आपको बताना है। देखिए तो अल्प्राण है वो एक तीन पाँच और महाप्राण दो चार, देखिए पांच वर्ग हैं ठीक है। तो पहला अल्प्राण हो जाएगा क ग अंग एक तीन पाँच क ग अंग अल्प्राण, और जो है महाप्राण वो हो जाएगा ख और घ ख और घ, मतलब किसी वर्ग का पहला तीसरा पांचवा ये अल्प्राण और दूसरा चौथा महाप्राण। तो इसे आप कवर्ग पूरा लिख लीजिए, जितने वर्ण लिख लीजिए पूरा ठीक है। और जो भी आपको लग आपको बताया गया है तीन चार एक तीन पाँच अल्प्राण है दो चार महाप्राण, तो उस वर्ण के आगे आप लिख दीजिए कि एक तीन पाँच ये अल्प्राण है और दो चार महाप्राण है, तो आपको आराम से याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है। तो आपको अल्प्राण महाप्राण और घोष और अघोष वर्ण भी समझ आ गया हो ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। पंद्रह प्रश्न है कंठोस से उच्चारित वर्ण कितने हैं? आपसे पूछेगा कंठोस से उच्चारित वर्ण कितने हैं? तो सिर्फ दो वर्ण है कंठोस से उच्चारित होते हैं ओ औ, कितने ओ औ बस दो। तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, बस आप इसे रट लीजिए ठीक है। अभी क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है तो अभी समय नहीं है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, बस आप रटते जाइए आपको आराम से आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा ठीक है। सोलह प्रश्न है नासिक से उच्चारित वर्ण कितने हैं? तो नासिक से उच्चारण देखिए हमारा जो पांचों वर्ग होता है इसका जो अंतिम वर्ण जो है जैसे क ख ग घ में आता है अंग, चौथा जज में इया, टठ ड में अण, तथ ध में न, अप फ व म, तो ये जो लास्ट वाला पांच है इसे नासिक के वर्ण कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक छूट गया है क्योंकि वो यहाँ लिखाता नहीं है ठीक है टाइपिंग में, तो ये जो पांचों है इसे नासिक के कहते हैं। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में जैसे दिया हो कि अंग ये कौन सा वर्ण है, अगर उसमें आपको नासिक के एग्जाम्पल में नहीं दिया तो आप क्या टिक करिएगा? देखिए तो कवर किस में आता है? कवर्ग आता है कंठ में, तो वो कवर में आ जाएगा। अगर वहाँ कंठ नहीं दिया रहे तो आपका ये नासिक में आ जाएगा। और हाँ आपका देखिए मैं और आपको क्वेश्चन जैसे रहता है कि पूछ देगा ख किस वर्ग में आता है, मतलब ख का उच्चारण स्थान बताएं, फ का उच्चारण स्थान बताएं, ट का उच्चारण स्थान बताएं, कहीं से पूछ देगा तो आप इसमें बहुत कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो उसमें कन्फ्यूज़ होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है। एक ट्रिक दे रही हूँ मैं, देखिए जैसे सबसे पहले आता है कवर्ग, तो हमारे सबसे पहले आया कंठ, तो कवर्ग आ गया कंठ, उसके ऊपर आया तालु तो चवर्ग आ गया तालु, फिर आ गया मूर्धा तो टवर्ग आ गया मूर्धा, फिर आ गया दंत, तो दंत में आ जाएगा हमारा तथ दधन तवर्ग ठीक है। अब फिर आ गया ओष्ठ तो आ गया पवर्ग, तो इस प्रकार हो जाएगा
आराम से ट्रिक है ये याद करने का, ठीक है। पांचों जो वर्ग है उतना ऐसे याद कर लीजिए, आपको कहीं से पूछ दे कोई भी कि उच्चारण स्थान कहाँ है तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, साथ में आपको याद करने का ट्रिक भी समझ में आ गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम अपना 17वां प्रश्न, कंठ मूर्धा से उच्चारित वर्ण कौन से है। तो कंठ मूर्धा से जो उच्चारित वर्ण है वो बस एक है, अक्षौ। कौन है? अक्षौ। तो आपको इसमें लगाना है, आंसर होगा आपका अक्षौ, ठीक है। आगे बढ़ते 18वां प्रश्न है, काकल्य वर्ण किसे कहते हैं। तो काकल्य वर्ण जो होता है सिर्फ एक होता है और वो होता है ह। तो 17 और 18 प्रश्न आपको समझ आ गया। बस आप पूछे कंठ मूर्धा उच्चारित वर्ण कौन से है, तो सिर्फ एक है, वो अक्षौ। और काकल्य वर्ण किसे कहते हैं, तो ह। तो समझ में आ गया। 19वां प्रश्न है, दंत मूर्धा से उच्चारित ध्वनि कौन सी है। तो दंत मूर्धा से सिर्फ एक है, त्र। कि कौन? त्र। इसका आंसर अगर आपको क्वेश्चन पूछे एग्जाम में तो आप त्र टिक करिएगा, ठीक है। फिर होता है द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं। तो ये ड और ढ, इन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। सिर्फ ये द्विगुण व्यंजन है वर्णमाला में, ठीक है, सिर्फ ये दो। तो आपको अगर पूछे द्विगुण व्यंजन तो आपको इन दोनों में टिक करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए मेरे यहाँ तक आपका 20 क्वेश्चन जो था हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में जितना भी मैंने बताया बस आपको उतना ही पूछेगा, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेगा और कहीं बाहर से नहीं पूछेगा। और स्पेशली उसमें जो पूछता भी है ना कि उच्चारण स्थान बताइए, जैसे क का ख का ब फ ग, किसी चीज़ का उच्चारण स्थान पूछ लेता है आपसे। तो आपको जो मैंने जो ट्रिक दिया है उसके हिसाब से आप याद कर लीजिए पाँचों वर्ग, आराम से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप पूछते क्वेश्चन एग्जाम में तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये वर्णमाला समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो या फिर वीडियो आपको अच्छा लगा हो कुछ भी, तो आप हमें कमेंट में बताएं ज़रूर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हिंदी वर्तनी, इसमें हमें वर्तनी के विषय में बताऊँगी। देखिए वर्तनी तो आपको खुद वर्तनी का जो है स्पेशली आप उच्चारण करके देखिए, आपको दिया रहे कुछ तो आप उसे अच्छे से उच्चारण करिए, और उच्चारण करने के बाद आपको जो सही लगे उसके हिसाब से आप उसमें टिक लगाइए। तो ये जो है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द शुद्ध नहीं है। तो ये जो है महात्म्य, ये शुद्ध शब्द नहीं है, इसका जो शुद्ध शब्द होगा महात्म्य होगा, ठीक है। तो ये जो डी नंबर, ये सही नहीं होगा, इस ये आंसर नंबर 4 सही हुआ। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द शुद्ध है उच्चारण। तो आपको तो पता है ये कवियत्री, ये शुद्ध है उच्चारण के स्थान, उच्चारण के उच्चारण जिस प्रकार हम करते हैं या लिखते हैं उस आधार पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो उसमें सामर्थ्य शुद्ध है, ठीक है। ये जो आपको लग रहा होगा ना कि अजीब, लेकिन वो थ और य ऐसे संयुक्त लिखा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट तरह से लिखा है, इसीलिए आपको लग रहा है अलग, लेकिन ये सही है। इसके अलावा ये देखिए पुरस्कार का भी जो ये स्पेलिंग लिखा है ये भी गलत है, वज्री पूजी, ये तीनों का भी गलत है, ठीक है। बस ये सामर्थ्य का सही है, तो आंसर नंबर बी ये सही होगा 3 का। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध रूप है। तो ये जो शुद्ध रूप है अभ्यर्थना, ये सी शुद्ध होगा, ठीक है। देखिए वर्तनी में तो मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं सकती, वर्तनी में वो खुद आपको करना होगा, वर्तनी से भी मुश्किल से 2-3 रहते हैं, 1 या 2 प्रश्न रहेंगे, और आप बस कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट वर्तनी होती है ना जो पूछते हैं हर साल उसे बस आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा वर्तनी पे। और वर्तनी का सबसे अच्छा, आपको कुछ भी लग रहा है पूछा है तो आप उसे उच्चारण कीजिए, आपको उच्चारण करने में जो शब्द शुद्ध लगे उस शब्द पर आप टिक लगाइए, ठीक है। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध रूप है। तो प्रतिस्पर्धा ये शुद्ध रूप है, ठीक है। बोला ना कि यहाँ थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है तो आपको वो थोड़ा कन्फ्यूज होगा, लेकिन यही सबसे सही है, ठीक है। आंसर नंबर 2 ये सही होगा, ठीक है। यहाँ पर प्रतिस्पर्धा, यहाँ सप संयुक्त है, तो ये सही होगा बी, 5 का बी। अब आते हैं 6वां प्रश्न, युधिष्ठिर का शुद्ध रूप क्या है। युधिष्ठिर का शुद्ध रूप होगा युधिष्ठिर, युधिष्ठिर आप उच्चारण करके देखिए तो आपको ये सही लगेगा, आंसर नंबर बी, ठीक है। 7वां प्रश्न है, अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्चृंखलता आती है। तो आपको उच्चृंखलता का जो है शुद्ध रूप लिखना है, तो आप उच्चारण करिए इसका, उच्चृंखलता का उच्चारण करिए, तो इस हिसाब से आपको आंसर नंबर 1 ये सही लगेगा। हमारा 8वां प्रश्न है, आजकल आयुर्वेदिक औषधियाँ की विश्वसनीयता बढ़ रही है। तो आपको आपको यहाँ बताना है आयुर्वेदिक का जो स्पेलिंग है वो आपको बताना है वर्तनी के आधार पर, जो आयुर्वेदिक का, तो यहाँ पे आपको उच्चारण कीजिए आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक, तो इस हिसाब से आंसर नंबर 2 ये सही होगा 8 का। 9वां प्रश्न है, दिन ब दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रही है। तो आपको यहाँ अप्रत्याशित बताना है, देखिए अप्रत्याशित, अप्रत्याशित उच्चारण करिए, तो हिसाब से आपको ये आंसर नंबर 3 ये सही लगेगा। तो 10वां प्रश्न है, पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं। दंपति, ये लिखा है यहाँ दंपति, दंपति थोड़ी बोलते हैं, दंपति बोलते हैं, दंपति, दंपति मौपस संयुक्त है, तो ये आंसर नंबर 2 ये सही होगा।
दसवां प्रश्न। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद हुआ होगा, और मैंने बहुत मेहनत करके वीडियो बनाया है वर्णमाला के लिए। मैंने एक एक छोटी छोटी चीज़ मैंने बहुत मुश्किल से निकाल निकाल के आपके लिए बनाया है, ताकि आपको कोई भी प्रश्न कहीं से पूछे आपको दिक्कत ना हो। तो आप जो जो मैंने ट्रिक बताएं उसे आराम से आप लोग लिखिए, याद करिए, और जो कल वीडियो आएगा उससे पहले आप लोग इस जो वीडियो है इसमें जो आपने नोट्स बनाए उसे याद कर लीजिए। इसी तरह आप लोग रोज़ एक एक वीडियो आने से पहले अपना एक दिन पहले उसे याद कर लीजिए, तो आपके लिए अच्छा होगा। और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न या कुछ भी अच्छा लगा हो या ट्रिक आपको समझ में आए तो आराम से मुझे कमेंट में बताएं। सो आप लोग आराम से पढ़िए लिखिए अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू सो मच।